तो इस वाले क्वेश्चन में अगर देखोगे बच्चों, तो इसमें क्या है कि एक पर्सन है, वो एक आर्टिफिशियल सेटेलाइट में है, सिटिंग इन ए सेटेलाइट। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा मैं इस स्टेटमेंट को करेक्ट करूँगा। सेटेलाइट मतलब आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल सेटेलाइट है, इंसानों ने बनाया है, और मास कम है, इस मास इज स्मॉल मास, अदरवाइज ये सिचुएशन सही नहीं होगा। तो वेटलेस तभी होता है जब मास कम होता है। तो चलो ये सब अंडरस्टूड है, फिर भी तो अर्थ डज नॉट अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट। देखो अर्थ क्यों नहीं अट्रैक्ट करेगी यार, अगर एक आदमी है तो अर्थ तो उसको अट्रैक्ट करेगी ही करेगी भाई। तो अर्थ, ये अर्थ डज नॉट अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट, ये तो बिल्कुल गलत बात है भाई, अर्थ अट्रैक्ट करेगी उसको। चलो दूसरा, द नॉर्मल फोर्स बाय द चेयर ऑन द पर्सन अर्थ अट्रैक्शन, नॉर्मल जो है बैलेंस द अर्थ अट्रैक्शन। ठीक है, तो नॉर्मल क्या, नॉर्मल फोर्स बाय द चेयर ऑन द पर्सन बैलेंस द अर्थ अट्रैक्शन, तो ये भी क्या है, बिल्कुल गलत बात है। नॉर्मल फोर्स जो है वो बैलेंस नहीं होता है। ठीक है, नॉर्मल फोर्स इज ज़ीरो, ऑब्वियसली नॉर्मल फोर्स इज ज़ीरो, द नॉर्मल पर्सन इज इन सेटेलाइट इज एक्सेलरेटेड। तो नॉर्मल फोर्स, सबसे पहले देखो इस आदमी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। तो इस आदमी का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, तो ये आदमी अगर सेटेलाइट में है, तो सबसे पहले इसके ऊपर ये जो सेटेलाइट है इसका मास नेग्लिजिबल है, ज़ीरो है। तो इसका, ये जो पर्सन है, इसके ऊपर जो अर्थ है वो तो एम जी लगाएगी, मान लेते हैं अर्थ का फोर्स इसके ऊपर एम जी है, और ये जो चेयर, जिस चेयर पे बैठा है वो नॉर्मल ऊपर लगाएगा, तो नॉर्मल ऊपर लगाएगा। अब ये पूरा का पूरा सिस्टम सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, तो सेंटीपिटल फोर्स की जो वैल्यू होगी वो होती है एम वी स्क्वायर, आर्बिटल वेलोसिटी और रेडियस, इनके बीच का डिस्टेंस में हाँ, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो मैं स्मॉल आर मान लेता हूँ। तो ये स्मॉल आर, दिस इज बेसिकली द सेपरेशन बिटवीन दिस टू, ये वाला, तो इसको मैं कैपिटल आर भी ले सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ से तुम देखोगे तो ये जो सेंटीपिटल फोर्स की जो वैल्यू है वो आ जाएगी, सेंटीपिटल फोर्स की वैल्यू आ जाएगी एम जी माइनस नॉर्मल इज इक्वल टू एम आर्बिटल स्पीड का स्क्वायर ओवर रेडियस, एम बी स्क्वायर रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, और एम जी की जो वैल्यू होगी एम दैट इज जी एम ओवर आर का स्क्वायर, और माइनस नॉर्मल और माइनस एम आर, और यहाँ से आर्बिटल स्पीड की वैल्यू रख दो। तो आर्बिटल स्पीड की वैल्यू रखोगे तो क्या हो जाएगा, तो आर्बिटल स्पीड होती है जी एम ओवर आर अंडर रूट का होल स्क्वायर। तो यहाँ से भाई इसको सॉल्व कौन कर, तो इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से जब, हाँ यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो नॉर्मल ये वाली वैल्यू, इसे कहें नॉर्मल की वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी। तो नॉर्मल जो चेयर, ये पर्सन नॉर्मल ज़ीरो है तो वेट ज़ीरो आ जाएगा, दैट्स वाई इट पर्सन फील वेटलेसनेस। तो पर्सन को वेटलेसनेस तभी होता है जब इस पे लगने वाला जो नॉर्मल है वो बेसिकली ज़ीरो हो जाए, मतलब अपना सी ऑप्शन इसका करेक्ट है।